मुझे भाई नहीं गॉडफादर बोलते हैं। प्रभात शाम जी, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर जिन्हें रीमेक मूवीज बनाने के लिए ज्यादा जाना जाता है और ये बेहतरीन से बेहतरीन मूवी को भी स्पॉइल कर देते हैं। लेकिन जो भी हो, यह एक डायरेक्टर हैं जिनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करती हैं। तो चलिए इस वीडियो में फरहाद शाम जी की आने वाली तीन बड़ी मूवीज के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 1, किसी का भाई किसी की जान। जिगर ठंडा जैसी कल्ट क्लासिक मूवी को रीमेक करके उसका कबाड़ा करने के बाद फरहाद शाम जी सलमान खान सर के साथ रीमेक मूवी लेकर आ रहे हैं, जिसमें इनके साथ पूजा हेगड़े, वेंकटेश डगुपति, रघुपति बाबू होंगे और यह मूवी अजीत स्टारर तमिल मूवी वीरम का रीमेक होगी। बाकी सलमान की मूवी डायरेक्टर के नाम से नहीं लेकिन भाईजान के नाम से चल, देखते हैं इस मूवी में क्या होगा। वैसे वीरम इससे पहले तेलुगु में कटमा राइडू के नाम से और कनाडा में ओडिया के नाम से बन चुकी है और दोनों ही मूवीज हिंदी में अवेलेबल हैं और रीमेक के अलावा ओरिजिनल वर्जन भी हिंदी में अवेलेबल है और नॉर्थ इंडियन फैंस देख भी चुके हैं। इस वजह से मूवी के कलेक्शन पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है और यह मूवी ईद के मौके पर 24 अप्रैल को रिलीज हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपकी इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे कमेंट करके बताना। नंबर 2, हेरा फेरी 3। जी हाँ, हेरा फेरी 3 को फरहाद शाम जी डायरेक्ट करने वाले हैं। इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल लीड रोल में होंगे और वहीं इस बार संजय दत्त इस मूवी में विलन की भूमिका निभाने वाले हैं। और दूसरी तरफ अक्षय के करियर के पहले ही अल लगे हुए हैं और ऊपर से अपनी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी भी इनसे डायरेक्ट करवा रहे हैं, नहीं तो अब भगवान ही बचाए। बाकी मेरा फिर स्टोरी और सीरीज पर है, तो मैं चाहूंगा कि फिल्म बड़ी उठो। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना। गले का मंगलसूत्र समझा गिरवी रख के जाता ये बाबा, ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। हाउसफुल 5, जैसे आपको पता ही होगा कि हाउसफुल सीरीज की 2 मूवी फरहाद शाम जी पहले भी डायरेक्ट कर चुके हैं और जल्दी ही फरहाद शाम जी इसकी 5th इंस्टॉलमेंट को भी डायरेक्ट करेंगे। वैसे यह उनकी बैक टू बैक अक्षय के साथ 2nd मूवी होगी हेरा फेरी के बाद और ओवरऑल इससे पहले फरहाद शाम जी अक्षय के साथ 4th मूवीज बना चुके हैं। इसमें बच्चन पांडे ही फ्लॉप रही है और बाकी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस अच्छा खासा कलेक्शन किया है। वो अलग बात है कि उस समय अक्षय का स्टारडम काफी हाई था जिस वजह से मूवीज ने बेहतरीन कलेक्शन किया, लेकिन कहानियों में कोई दम नहीं। लेकिन आजकल अक्षय के सितारे खुद गर्दिशों में हैं और ऊपर से वो डायरेक्टर भी काफी जोरदार पकड़ रहे हैं, तो लगता नहीं कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके बताना और यह मूवी 2024 में बॉक्स ऑफिस फ्लोर पर रिलीज होगी। तलवार टूट गई, चलो अपने अपने घर। ये था फरहाद शाम जी की आने वाली मूवीज की लिस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। अगली वीडियो में धन्यवाद।